बच्चे इस चीज को ध्यान रख लें, व्हेन यू आर एंटरिंग द क्लास आपका यहाँ पे नाम, मुझे आपका नाम लिखना है. ओके, यू हैव टू एंटर द क्लास विथ योर नेम, क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर. अगर कोई अभी भी अपने मम्मी पापा के नाम के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है तो अपना नाम को जल्दी चेंज करो, और अगर आपको नहीं आता है चेंज करना तो आपके ग्रुप में निशा मैम का नंबर है, यू जस्ट हैव अ टॉक विद निशा मैम. जिनका भी सारे बच्चे वीडियोस ऑन रखेंगे, मेरे रोज बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कीप योर वीडियोस ऑन, ऑल ऑफ यू कीप योर वीडियो ऑन एंड जॉइन द क्लास विथ योर नेम, क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर. अभी क्लास जब शुरू हुई थी, दो चार बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैम पोर्शन क्या है, व्हाट इज द पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन. मैंने आपको वेंसडे को लिया है पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन, टुडे इज सैटरडे. वेडनेसडे को पोर्शन दिया है, लेसन वन आएगा और लेसन फोर आएगा, ये दो लेसन आएंगे. यही दो लेसन आएंगे आपको, लेसन वन एंड लेसन फोर. आपको बार बार बोला गया है, उसके बावजूद अगर आप ये क्वेश्चन टीचर से पूछे कि मैम कौन सा लेसन आएगा, इट इज वेरी इरिटेटिंग, बहुत गलत बात है. तो लेसन वन और लेसन फोर का रिवीजन करेंगे हम, और सारा क्वेश्चन आंसर्स मैं पूछूंगी. अच्छा, यहाँ पे दिलीप कुमार के नाम से कौन बच्ची है, हु इज दिस, दिलीप कुमार के नाम से कौन बच्ची है, अनम्यूट करो, नाम बताओ, अनम्यूट करो, नाम बताओ, अनम्यूट करे, वो तो मैं नहीं कर सकती, वो आपको ही करना है. अनम्यूट करो, फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, आपका नाम दिलीप कुमार है, अनम्यूट करो. नो मैम. क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा राज. तो आपको आपको बताया गया है ना कि यू हैव टू रीनेम एंड देन जॉइन द क्लास. नाम को चेंज करो, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, ऊपर आपको आएगा रेज योर हैंड एंड रीनेम. अभी रीनेम करें, अपने नाम से आएंगे. कोई भी बच्चा यहाँ पे दूसरे पेरेंट्स मम्मी पापा के नाम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मैं मम्मी पापा का नाम बुक करूंगा. आपका नाम चाहिए इस पे, है ना? नो टॉकिंग, बात नहीं करेंगे. सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, कीप योर वीडियो ऑन. ओके, तो योर एग्जामिनेशन आपका जो कल का है उसमें लेसन वन और लेसन, अभी भी आपने नहीं किया, दिलीप कुमार के नाम से आ रहा, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी. अपना नाम से लिखो उसको, रीनेम करो उसे. नाम बताओ अपना फिर से, नाम बताओ. प्रतिज्ञा राज मैम. मैंने कर दिया. ए थैंक यू, ये बोलना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको. ओके, सी, तो हमारा कौन सा लेसन आ रहा है, जिया अनम्यूट करो, कौन सा दो लेसन आ रहे हैं मैम? लेसन वन और लेसन फोर. ओके, लेसन वन एंड लेसन फोर, ये दो लेसन आ रहे हैं. आप रेज करेंगे हैंड, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, से भी जो हैंड रेज करेगा उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जिया म्यूट करो अपने आप को, जिया म्यूट करो अपने आप को, और चैट में कोई जवाब नहीं देगा, नोबडी विल गिव द आंसर्स टू मी इन चैट. ओके, बिकॉज चैटिंग अलाउड नहीं है. मयंक रोल नंबर 83E, पहले ही हैंड रेज कर लिया. ओके मयंक, जब आपने रेज किया है तो आंसर बताइए, कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा अब तक? मयंक कहाँ गए? हाँ चलो जवाब दो, क्या जवाब, क्या क्वेश्चन पूछा? नहीं है. हाँ तो रेज क्यों किया? हाँ तो मैं पूछ रही हूँ,
जब मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो पहले ही हैंड रेज कर दिया. दिस इज द प्रॉब्लम. यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ. यू डोंट लिसन टू योर टीचर्स ना. सिंपल क्वेश्चन था कि आप वेट करें क्वेश्चन के लिए. आई बी आस्किंग क्वेश्चन, आप रेज करेंगे हैंड एंड देन आई बी आस्किंग. बात सुने, टीचर्स की बात सुनना बहुत जरूरी है ना. टीचर्स की बात सुनना जरूरी है, इसलिए टीचर्स की बात सुने क्योंकि वो आपको बता रहे हैं सही चीज जो आप नहीं सुनना चाह रहे. ओके चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हाथ उठाएंगे, मैं आपसे पूछूंगी. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? रेज योर हैंड दोज हु नो दिस आंसर. रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी. जब तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? कृतिका बिहारी ने हाथ स्क्रीन पे उठाया है. यहाँ पे मुझे 8 रेज्ड हैंड दिख रहे हैं. कौन कौन है देखूं जरा सा. ओके, जिया सिंह ने भी किया. अभिनव राज, अनम्यूट योरसेल्फ. अभिनव अनम्यूट करो, बोलो. व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? यस मैम, बोलो बोलो बोलो. यस मैम, बोल. बोल रहे बोल के कहाँ चले गए मैम? व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? अंशुमन, अंशुमन, ओके, जिया सिंह अनम्यूट करो. फिल का मतलब होता है भरना. ओके मैम, एफ डबल ई एल. हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? इट हेल्प अस टू फील. इट्स अ फील, स्ट्रेस है, डबल ई है ना. एंड फिल, आप एल पे स्ट्रेस दे रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बोलने के पहले. यस, इट हेल्प अस टू फील. व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग इट हेल्प अस? सिर्फ इतना ही तो आंसर आपके हर्षवर्धन सर ने लिखवाया था. सर ने और भी आंसर लिखवाया था, लिखवाया था. कौन बोलेगा इसका जवाब बहुत बढ़िया से? आर्यन सिन्हा, आर यू देयर? अनम्यूट करो बेटा. आर्यन सिन्हा, द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी आर एज फॉलोइंग. इट एनेबल अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस. इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट ड्यू. फिर से बेटा, फिर से. आई जस्ट वांट टू नो द योर आंसर अगेन. इसे बोलिए, बोलो आर्यन. बॉडी आर एज फॉलोइंग. It enables us to feel smooth and rough surface. It also helps to protect the parts of present view. It. Okay, the skin helps us to enable different feel the deep, hot, rough and smooth surfaces, and it also protects the organs inside it. Okay, चलो ठीक है, very good. Okay, Aryan Sena, mute करेंगे अपने आप को. Is a very good student. चलो next. मुझे इस क्लास में एक और बच्चा दिख रहा है विद नेम आई. चला गया, ही लेफ्ट. मुझे अभी दिख रहा था, द नेम वॉज नॉट वेरी क्लियर. अध्याय सेना, अपने आप को रीनेम करेंगे. आपका नाम मेरे नाम से आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू ऋषिका रंजन. अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. ऋषिका अनम्यूट करो. ऋषिका अनम्यूट करेंगे. ऋषिका रंजन, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है, अनम्यूट करें. व्हाट डज आवर नोज हेल्प अस टू डू? व्हाट डज आवर नोज हेल्प अस टू डू? ये सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. ये 2 के लायक क्वेश्चन है. हम आपको 3 में पूछ रहे हैं जो कि आपके बुक में है. व्हाट डज आवर नोज हेल्प अस? यस मैम.
बोलिए बोलिए ऋषभ बोलिए ऋषभ बोलिए थ्री बी नोज यस मैम अ नोज हैव टू स्मेल ऐसे छोटे से आज जवाब दे रहे हैं ओके चलो इट हेल्प अस टू स्मेल तो है ही चलो म्यूट करो अपने आप को म्यूट करो कनक थ्री सी अनम्यूट करेंगे अपने आप को कनक थ्री सी अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम हाउ आर आईज यूजफुल टू अस हाउ आर आईज अनम्यूट करो कनक कनक अनम्यूट करो तुमने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को अनम्यूट करो कनक अनम्यूट करो अपने आप को क्या हो गया आपकी आवाज मुझे आपने म्यूट किया है अपने आप को अनम्यूट किया है बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है अनम्यूट करेंगे तो ही आवाज आएगी उत्कर्ष पांडे बोलो हाउ आर आईज यूजफुल टू अस उत्कर्ष पांडे हाउ आर आईज यूजफुल टू अस आवर आईज हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट दे हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस Yes, objects. And they also help us to know the different various colors. Okay, the eyes help us to give an idea of the distance of various objects, how far they are, how close they are. They help us to know the difference between the various colors. ये मैंने yellow पहना है. My hair is black. और मैंने रेड बिंदी लगाई है दीज आर द कलर्स ये कौन बता रहा है हमारे सामने मयंक करण है जो कि ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है एंड कनक शायद क्रीम कलर का कुछ टी शर्ट डाली ओके सो ऑल दीज आर डन बाय द आईज और ये पता चल रहा है कोई हमारे बहुत क्लोज है कोई जैसे ये एप्पल जो है इट्स रेड इन कलर और ये हमारे बहुत नजदीक है बट तुम्हारे लिए बहुत दूर है बिकॉज इट गिव्स एन आइडिया ऑफ समथिंग वेरी क्लोज समथिंग वेरी फार And the colors also very good. ठीक है उत्कर्ष अपने आप को म्यूट करेगा प्लीज Okay, the next question. What type of sounds are being differentiated by our ears? What type of sounds are differentiated by our ears? प्रतिज्ञा राज either you're sleeping or what? चलो तुम्हें ही मन म्यूट किया प्रतिज्ञा जवाब दो प्रतिज्ञा Can you hear me? Yes. Yes, ma'am. Give the answer. What type of sounds are being differentiated by our ears? Okay, somebody has raised, some of the students have raised their hands. Let me ask them first. क्योंकि कुछ बच्चे तो नहीं बोलेंगे सोच लिए हैं और ये बहुत गलत बात है Okay, let me mute all first. अभिनव राज को मैंने पूछा तो वो क्लास छोड़ दिए थे अभी मुझे दिख रहे हैं हैंड रेज में अग्रज यस अग्रज गिव दिस आंसर व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स आर डिफरेंशिएटेड बाय आवर इयर्स अग्रज बोलिए लाउड साउंड आर अनप्लेस्ड And harmful for ears. हमने कहा what type of sounds are differentiated? किस तरह की आवाज को differentiate करता है हमारा कान? संस्कृति यादव अगर फोन अपना को म्यूट करो संस्कृति यादव loud and gentle sound are different by ear our ear. Simple question था कि कैसे sound को differentiate करता है हमारा कान? बहुत तेज आवाज हम कान बंद कर लेते हैं एंड वेरी जेंटल साउंड बहुत
नरम बहुत सॉफ्ट आवाज को हम सुनते हैं, तो आर ईयर्स कैन डिफरेंशिएट। बहुत जोर से आवाज होती है, अरे भाई आवाज थोड़ी धीरे करो, बहुत तेज आवाज आ रही, कौन बताता है हमें? कान बताता है। और बहुत प्लीजेंट कोई आवाज, बहुत सुंदर म्यूजिक, कोई बहुत सुंदर से म्यूजिक बजती है, अरे हम कंसंट्रेट करते हैं, कौन कौन गाया है ये गाना, ये तो हमारा कान डिफरेंशिएट करता है, बताता है इस आवाज बहुत तेज है, अरे बाबा बहुत तेज आवाज है, यहाँ पे आवाज कि हमारा कान बताता है, ऐसा थोड़ी है कि हमारा आंख बताता है भाई बहुत तेज आवाज आ रही है, नो, आवर आईज डिफरेंशिएट्स बिटवीन, फर्क बताता है, व्हिच क्या बताता है, किसके बीच में फर्क, तेज आवाज और जेंटल आवाज। ओके नेक्स्ट, संस्कृति यादव म्यूट कर लेंगे अपने आप को, बीच में आप खुद से भी कर सकते हैं म्यूट अपने आप को, क्योंकि बहुत बार हम आपको अनम्यूट करते हैं फिर बोलना भूल जाते हैं, तो आपकी आवाज आने से ना क्लास डिस्टर्ब होता है, तो मेक इट अ प्रैक्टिस। ओके नेक्स्ट, अच्छा मुझे ये बताओ इस क्लास में प्रिंस राज है अभी क्या? अगर है तो अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी वेयर यू। प्रिंस राज है, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, let me see whether prince raj hai ki prince raj, no he is not there, anyways chal next hum unmute kar rahe hain simran kumar, unmute ho beta jaldi se। okay the next question is why should we meditate and exercise regularly, simran can you hear me, aapki awaaz mere paas aa rahi hai, so answer the sorry answer the why should we meditate and exercise regularly, simran agar aapko jawab nahi aa raha hai aap batayenge, and don't waste your time, hai na, aapki bhi time waste ho tumhari, aapko pata hai ki lesson 1 aa raha hai exam mein, yes ma'am, to aapne padha tha iske liye, aapke paas kal jab class ka schedule aaya tha upar maine heading diya tha revision of lesson 1 and 4, Simran, when you don't say, no, कुछ नहीं देखा, मतलब देखा ही नहीं, ओके तब तो कोई बात ही नहीं है, चार दिन पहले से टीचर्स आपको मैसेज कर रहे हैं कि लेसन 1 एंड 4 इज गोइंग टू कम फॉर योर साइंस टेस्ट, रिवीजन करें, तो आपने देखा ही नहीं, ओके वेरी गुड, फिर ऐसे में क्या बताना मुझे, आपको रेगुलरली दिया जा रहा है लर्न दीज लेसन, बच्चे आपको अभी स्कूल खुलने की संभावना ही नहीं है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे अगर ऐसे ही करेंगे, तो हम तो आपके घर नहीं जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। हर्षित राज अनम्यूट करो बेटा, हर्षित राज अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम, यस नाउ यू आंसर व्हाई शुड वी एक्सरसाइज एंड मेडिटेट रेगुलरली, हमको एक्सरसाइज कर भास्कर थोड़ा सा मोबाइल को साइंस कहीं जगह पे रख दो और खेलना बंद करो, तो के पढ़ाई नहीं होती है, बोलो हर्षित बोलो, बोलो बोलो बोलो, व्हाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलर, आप कॉपी खोल के देख के बताएंगे मुझे, हाँ रुद्र प्रकाश give this answer to me, why should we meditate and exercise regularly, Rudra Prakash aap unmuted ho gaye, answer dijiye iska, why should we meditate and exercise regularly, kyun zaruri hai meditation and exercise, अच्छा ये बताइए मुझे, अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप बोल सकते हैं कि मैम आई डोंट नो द आंसर, रुद्र प्रकाश कैन यू हियर मी, आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना, yes. तो फिर जवाब क्यों दे रहे हो, श्रेष्ठ मन गिव दिस आंसर, व्हाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, We to meditate and exercise regularly to keep our body fit and healthy. Very good.
आपको याद नहीं करो तो प्रकाश नहीं पढ़ते ही नहीं है आप लोग घर में, घर में मम्मी पापा की बात भी नहीं सुन रहे, इसका मतलब है ना, जो बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे वो गंदे बच्चे होते हैं, और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा, फिर आप क्लास प्रमोशन भी कैसे मिलेगा, आप सोचिए। अर्चित कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। अर्चित आपसे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, नेम फाइव सेंस ऑर्गन्स, नेम फाइव सेंस ऑर्गन्स, सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके इसका जवाब भी नहीं आता, फाइव सेंस ऑर्गन्स, नेम फाइव सेंस ऑर्गन्स, जल्दी बोलिए। ये आपके क्लास टू का क्वेश्चन है, आपको थ्री में पूछा जा रहा है, फाइव सेंस ऑर्गन्स। अर्चित गिव द आंसर टू मी, बोलो अर्चित बोलो। वेरी गुड। ना आप मुझे आपसे एक बात सभी बच्चों से करनी है कि अगर आपसे टीचर कुछ पूछता है, ठीक है, हो सकता है आप तक आवाज पहुंचने में थोड़ी समय लगी है, उसके बाद भी आप इधर उधर करते हैं, दिस इज नॉट गुड, वेरी बैड। टीचर भी सोचता है कि उसके जवाब उसको तुरंत मिले, दिस इज नॉट डन। अग्रज अपने आप को अनम्यूट करो, अर्चित म्यूट करो, अर्चित म्यूट करो, अग्रज अनम्यूटेड है, ओके अग्रज जवाब दो, सजेस्ट थ्री वेज दैट कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट, कौन से क्या क्या चीज तीन करोगे जिससे कि प्लांट को हम बचा सकेंगे, कंजर्व कर सकेंगे। हमने ये लेसन फोर को भी दिया है आपको, कंजर्व, सजेस्ट थ्री वेज दैट हेल्प टू कंजर्व प्लांट। अग्रज आप अनम्यूटेड है, जल्दी बताइए। मैम नहीं याद है, नहीं याद है, पढ़ाई लिखाई मत कीजिए आप, बहुत गंदे बच्चे हो रहे हैं आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इस क्वेश्चन को याद करें आप सारे बच्चे, थ्री वेज टू कंजर्व प्लांट्स, कितने लोगों ने हाथ उठाया है देखूं मैं। ओके अंशुमन थ्री ए, चलो अंशुमन बोलो, अंशुमन बोलो, बोलिए अंशुमन, थ्री वेज टू कंजर्व प्लांट, व्हाट आर द थ्री वेज टू कंज्यूम प्लांट, कैसे कंजर्व करेंगे हम बताइए। अंशुमन कहाँ गए, थ्री वेज टू कंजर्व प्लांट, प्लांट्स को बचाने के लिए क्या करेंगे, तीन चीजें क्या करेंगे मैम, कैन नॉट कट ट्रीज, कैन नॉट नहीं, डू नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट कट, वेरी गुड, वी शुड नॉट कट ट्रीज, नंबर टू, यूज ओनली दैट ब्रांचेस दैट आर फॉलन, वेरी गुड, नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थ्री, plant more and more plants. Very good. Yes. Absolutely right. क्या तीन तरह करेंगे कि हमारे plants conserved हों, बचे, हम पेड़ को काटेंगे नहीं, पहली बात, we should not cut trees. Okay? Secondly, we should use only the leaves or the branches which are fallen, जो कि गिर गए हैं, जो कि पत्तों, जो पत्ते गिर गए हैं, जो टहनियां सूख के गिर गई हैं, हम उनको यूज करेंगे. And तीसरा, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे. We'll try to plant more and more plants. Or punishment should be given. उन लोगों को punishment देंगे, दिलवाएंगे या ऐसा कुछ act करवाएंगे कि punishment should be given to those. किसको punishment मिलना चाहिए अंशुमन? अंशुमन किसको punishment मिलना चाहिए? किसको punishment दिलवाना चाहिए? मैं जो पेड़ काट रहा हूँ. मैं जो पेड़ काट रहा हूँ. Yes, ये तीन तरीके हो गए. We should not cut trees and rather we should give punishment to those who cut trees, plant more and more trees, and third,
वी शुड ओनली यूज अ फॉलन ब्रांच. वेरी गुड. सारे बच्चे इस आंसर को देखा, आप लोगों ने समझ गए? सारे बच्चे समझे? हम इसी आंसर को फिर से सुनते हैं. श्रेय सुमन अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को, तुम्हारी आवाज आ रही है. अंशुमन म्यूट करो. आरोही आर्यन, चलो अनम्यूट करो अपने आप को. आरोही आर्यन, अभी एक क्वेश्चन का जवाब दिया अंशुमन ने, आप बताइए इसी जवाब को फिर से, इसी जवाब को फिर से बताओ. सजेस्ट थ्री वेज टू हेल्प कंजर्व वाटर प्लांट्स. तो बोलो करीमा, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. करीमा अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो. बोलिए थ्री वेज टू कंजर्व प्लांट्स, क्या बताया अभी अंशुमन ने? वही उसे ऐसा को रिपीट करें. लेट मी सी. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. वेरी गुड. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. नंबर टू. We should use those branches, which branches and leaves which are fallen. Very good. Number three. Punishment should be given to those who cut down trees. Okay, do not cut trees, and punishment should be given to those who cut down trees. Very good. Okay, next question. Karima, apne aapko mute karenge please. Next question is for Sabyata Singh. सभ्यता सिंह अनम्यूट करो. हाउ डू प्लांट्स हेल्प द सॉइल. हाउ डू प्लांट्स हेल्प द सॉइल, क्या करता है प्लांट, कैसे हेल्प करता है सॉइल को? अनिमेश कुमार सीधा बैठो. प्लांट बाइंड द सॉइल सो दैट इट डजंट वॉश इन द हैवी रेन. ओके, प्लांट बाइंड द सॉइल सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन और हैवी or by air. Yashashvi Gautam, unmute yourself. In which form do we get food from plants? In which form do we get food from the form that we get food from plant are foods, vegetable, pulses, grapes. Okay, very good. Jia Singh, unmute karo beta. How do plants act as air purifier? Let me see. Many of them during have. Ha, bolo. In this during the daytime, plants give out. Yashashvi Gautam, kyun bol rahe ho beech mein? Ha, bolo. Fir se bolo. How do plants act as air purifier? Plant give out oxygen during the daytime. It increase the amount of air, hence act as air purifier. No, इसमें बहुत major दो line छूटी है जिया. आराध्य भारद्वाज बताओ, how do plants act as air purifier? Unmute करो पहले. आराध्य भारद्वाज पता नहीं कहाँ चला गया. त्रिशा, त्रिशा राज अनम्यूट करे बेटा. त्रिशा राज अनम्यूट करो. त्रिशा अनम्यूट करे जल्दी से. उत्कर्ष राज गिव दिस आंसर. आप लोगों को लगातार पूछो जवाब नहीं आता. हाँ उत्कर्ष बोलो बेटा. हाउ डू प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नहीं आता है बोलो, नहीं आता ताकि हम आगे बढ़े. अर्चित, डू यू नो दिस आंसर? अर्चित, हाउ डू प्लांट्स एक्ट एज एयर प्यूरिफायर? अनम्यूट करो अपने आप को. अच्छा आयुष राज हाथ उठा रहा है, लेट मी आस्क. अनम्यूट हुआ है, लेट मी सी. हाँ बोलो.
Archit, bolo. How do plants act as air purifier? If you don't remember, मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूंगी. मैं I will not waste time like this. मैम बोलिए. मैम during the daytime, plants make this process. They take in carbon dioxide and give out oxygen, which helps. Yes, during the daytime, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Since during the process of photosynthesis, and they increase the amount of the air and yes, Archit, it's the right answer. Now, students. हमारे पास समय 3-4 मिनट और रह गया है और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है. आपको मैं बता दूं, आपके यही दो लेसन आ रहे हैं, लेसन 1 एंड लेसन 4, और ये दोनों एक्सरसाइज आ चुके हैं पहले भी एग्जाम में. सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं. आपके पास फुल डे का टाइम है. मैंने आपको वेडनेसडे को बता दिया था. मुझे पता था कि मेरा क्लास अब शनिवार को होगा, तो मैंने वेडनेसडे को आपको व्हाट्सएप किया था. कितने लोगों ने व्हाट्सएप देखा था, हाथ रहा अपनी स्क्रीन पे. कितने लोगों को ये पता थी कि लेसन 1 एंड 4 आ रहा है. अपने स्क्रीन पे ही रेज योर हैंड, स्क्रीन पे रेज करो. यानी सभी को पता था कि लेसन 1 एंड 4 आ रहे हैं, उसके बाद भी आज आप विदाउट प्रिपरेशन आए हैं. दिस इज नॉट डन. ऐसे नहीं होता बेटा, आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे ही करनी पड़ेगी. कुछ नहीं कर सकते ना अभी हम. अभी लॉकडाउन है, हम अपने घर से पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. सबको सिंसियर होना है. सारे बच्चे इस चीज को जाने कि भाई हमें अपने काम पे सिंसियर होना है. आपका होमवर्क मिला है, आपको उसको सिंसियरली करना है, लर्न करना है, और आपकी जो वीकली टेस्ट है उसको कंप्लीट करके चले जाना है. ये नंबर्स जुड़ेंगे बच्चे, है ना. तो सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखें कि दे हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट देयर स्टडीज. दो दो लेसन ही सिर्फ आ रहे हैं, दो दो लेसन को लर्न करें, बहुत अच्छे से एग्जाम दें, नंबर्स अच्छे लाएं, ताकि जो आपका इंटरनल असेसमेंट हो तो आपके अच्छे मार्क्स. ओके, मैं अब आपको म्यूट नहीं करूंगी. मैं देखूंगी इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क. अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाएंगे, मैं आपसे पूछूंगी. किसी को कुछ पूछना बाकी है तो मैम इसका जवाब कैसे होगा, उसका जवाब क्या होगा. इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क समथिंग? कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ पूछना चाहता है? कैन रेज हैंड. 9 पार्टिसिपेंट. फिर सुमन से तो मैंने पूछ ही लिया है. गौरव सिंह, कुछ पूछना है बेटा, अनम्यूट करो. गौरव सिंह अनम्यूट करो, कुछ पूछना हो तो. मैम कुछ नहीं पूछना है. ओके, म्यूट कर लो. अनम्यूट करेंगे. सिमरन अनम्यूट करो अपने आप को. सिमरन क्या पूछना है बेटा? सिमरन क्या पूछना है बच्चे? आपका हैंड रेज्ड है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपको? पूछना है आपको? कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से. नहीं, आप म्यूट नहीं है, आप अनम्यूट है, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास. आप मुझे बताएं, अगर कुछ पूछना है तो बताएं मुझे. सिमरन कुछ नहीं पूछना है. ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ, आराध्य भारद्वाज को तो हमेशा पूछना है. बोलो क्या पूछना है. क्वेश्चन पूछो तो जवाब नहीं देते हो अभी. वैल्यू बेस नहीं आएगा, वैल्यू बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे. और जब मैंने क्वेश्चन पूछा कहाँ भाग गए थे तुम, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? हंसना बंद करो, जवाब दो. क्यों नहीं जवाब दिया? नहीं, गलत बात है. पढ़ाई के समय कोई कॉल नहीं आना है. दिस इज नॉट डन. आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कहीं और चले गए. ओके, अभिनव राज, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करो अपने आप को. अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम रह गया है. अभिनव राज, कुछ पूछना है?